अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऑरेंज चीज़ केक। ऑरेंज चीज़ केक बड़े मज़े का बनता है विंटर में स्पेशली। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैरी बिस्किट के 2 पैकेट, 100 100 ग्राम्स का एक पैकेट है। उसको आप चूरा कर लेंगे, चूरा करके आप बाउल में डालेंगे। फिर उसमें आप डालेंगे 3/4 कप मेल्टेड बटर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्रम्स जो हैं वो मुट्ठी के में बंद होने लगे दबाकर, तो आपने इसको केक पैन में सेट कर लेना है। केक पैन में सेट करने के बाद फ्रीजर में रख रहा है। फिर आपने लेना है फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ या कोई भी क्रीम चीज़ 180 ग्राम्स, और उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। जब वो बीट हो जाए तो फिर उसमें आपने दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। जो दूसरी चीज़ें ऐड करनी है उसमें सबसे पहले आप लेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। वो 2 पैकेट्स आपने लेने हैं 200 ग्राम्स वाले, यानी टोटल 400 ग्राम्स आप क्रीम डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से बीट करते जाएंगे। उसको अच्छे से बीट करते जाएं। फिर उसके बाद आप तीसरी चीज़ इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क पूरा नहीं डालना, आपके टेस्ट के हिसाब से आधा भी डाल सकते हैं और आधे से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा ही काफ़ी है। फिर उसके बाद आप इसमें इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। फिर इसमें डलेगी ऑरेंज जेली। ऑरेंज जेली आप 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऐसे ही डाल देंगे, पानी में मिक्स वगैरह करके नहीं डालनी है। ऐसे ही डालें उसको और अच्छे से उसको बीट करते जाएं। उसको इतना बीट करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरीके से वो बीच में मिक्स हो जाए। फिर आपने इसमें डालना है फ्रेश ऑरेंज जूस, तकरीबन 3/4 कप आप उसमें जूस डाल देंगे और मिक्स करेंगे उसको मिक्सर से। नेक्स्ट आपने इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। और फिर आपने इसमें डालना है जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर को ऐसे ही नहीं डालना, जेलेटिन पाउडर को पहले आपने पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसको माइक्रोवेव में 20 सेकेंड्स तक हीट अप करना है और फिर आपने इस मिक्सचर में उसको ऐड करना है और अच्छे से उसको बीट कर लें। साथ साथ बीटर चलाते जाएं ताकि उसके छोटे छोटे से लम्प्स ना बने। अच्छे से जब वो मिक्स हो जाएगा तो ही आपका केक सेट हो सकता है, वरना नहीं होगा। जेलेटिन को अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा से केक की बेस पर जो कि सेट हो चुकी है आपने ये मिक्सचर डालना है। मिक्सचर को अच्छे से आपने इस पर स्प्रेड करना है और फिर इसको फ्रीजर में रख देना है जब तक कि केक पूरी तरह से सेट ना हो जाए। जब केक पूरी तरह सेट हो जाए तो आप इसको क्रीम की मदद से या ऑरेंज जेली की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं और केक एंड में आपके लिए बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट और जेली की वजह से बहुत ही अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाती है और आप इसको क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।